नाम डॉक्टर के सेठी है और मैं दिल्ली के दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में चेयरमैन और कार्डियोलॉजी का हेड हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगा दिल की बीमारी के लक्षणों के बारे में। और वैसे तो दिल के अंदर बहुत बीमारियाँ होती हैं, जन्म से लेकर के 80-90 साल की उम्र तक कभी भी आ सकती हैं और बहुत सारी बीमारियों के लक्षण भी अलग अलग होते हैं। लेकिन खास तौर पे हम जब बात करते हैं दिल की बीमारी की तो उस चीज़ के बारे में जिक्र होता है जिसमें कि हार्ट की नसें या आर्टरीज जो हार्ट को खून सप्लाई करती हैं उसमें रुकावट आती है जिससे कि हार्ट अटैक होने का खतरा होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि यही एक ओनली बीमारी है, सिर्फ बीमारी है जिससे कि आदमी को तकलीफ हो, दूसरी तकलीफों से भी काफी मिलते जुलते सिम्टम आ जाते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम जो कि हार्ट की नसें ब्लॉक होने का सिम्टम होता है वो होता है चलने के टाइम पे या कोई एक्सर्शन करने के टाइम पे या कोई इमोशनल अपसेट होने के टाइम पे छाती के बीचों बीच सेंटर वाली लाइन में एक मुट्ठी के साइज का या उससे बड़ा दबाव पड़ना या भारीपन होना या दर्द होना। और ये दर्द या भारीपन या दबाव अक्सर बाएं बाजू की तरफ रेडिएट करता है, कभी कभी दाएं बाजू की तरफ भी जा सकता है, गले में जा सकता है, पीठ में जा सकता है। लेकिन जब वो परेशान करने वाली हालात ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि आदमी एक्सर्शन करना बंद कर देता है, चलना बंद कर देता है या गुस्सा ख़त्म हो जाता है उसका, तो अगले 2-4-5 मिनटों के अंदर वो तकलीफ खत्म हो जाती है। इसको हम एंजाइना कहते हैं। बहुत दफा ऐसे भी होता है कि आदमी को दर्द नहीं होती, चलने में सांस फूलता है, या बहुत दफा घबराहट या दर्द या पसीना आना, या कभी कभार पेट के ऊपरी हिस्से में ये चेस्ट की बोन के जस्ट नीचे यहाँ भी तकलीफ आ जाती है। और अक्सर चलने के बाद अगर ये तकलीफ यहाँ आती है तो डकार लेने से वो खत्म हो जाती है। और बहुत दफ़ा इसमें लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये तो गैस की बीमारी है लेकिन असल में वो हार्ट की बीमारी होती है। तो कोई भी तकलीफ जो चल के एक्सर्शन करके दिमागी परेशानी के साथ आए वो हमेशा हार्ट की तरफ पॉइंट करती है, जिसके लिए कि डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी होती है। कई बार ऐसे होता है कि चलने में सांस फूलता है तो वो एक से ज़्यादा बीमारियों का लक्षण हो सकता है। हार्ट की नसें खराब हो सकती हैं, हार्ट का पंपिंग ताकत कम हो सकता है, कोई वाल्व की खराबी हो सकती है या कुछ और भी तकलीफ, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो हार्ट में हो सकती हैं। पैरों में सूजन आना, पेट में सूजन आना, भूख नहीं लगना, बिना चले अगर तकलीफ आनी शुरू हो जाए सांस फूलने की या छाती में घुटन होने की तो ये एक सीरियस लक्षण होता है और बहुत जल्दी इसके लिए अस्पताल जाना होता है। अब जरूरी ये है पता लगाना कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा हो तो उसको कैसे समझ में आए कि मुझे इस तरह की तकलीफ हो रही है। यही सिम्टम जो मैंने बताए हैं कि किसी प्रोवोकेशन से या किसी कारण से होते हैं, उसी तरह का सिम्टम अगर बिना किसी वजह के हो जाए, सोते सोते हो जाए या बैठे बैठे हो जाए और साथ में पसीना हो और नाजिया हो, उल्टी आने की फीलिंग हो, तो उसको थोड़ा खतरनाक सिम्टम माना जाता है। और अगर हार्ट अटैक हो रहा होता है तो बजाय इसके कि 4 या 5 मिनट में वो तकलीफ खत्म हो जाए, ये 20 से लेकर 30 मिनट या कभी उससे भी ज़्यादा देर तक चलती जाती है लगातार। और अक्सर ऐसा होता है कि जो दर्द थोड़ी हल्की सी शुरू हुई वो धीरे धीरे ज़्यादा तेज़ या बढ़नी शुरू हो जाती है और फिर बाद में बहुत घबराहट या परेशानी, ऐसे लगता है कि आज कुछ होने वाला है और आदमी कहीं जाने वाला है, मतलब ख़त्म होने वाला है, इस तरह की सिम्टम या डर का उसमें एक फीलिंग आ जाती है। तो ऐसे टाइम पे जल्दी अस्पताल की तरफ जाना चाहिए या जितना जल्दी हो सके एक ईसीजी करवा के देखना चाहिए कि उसके अंदर कोई खराबी आ रही है कि नहीं। और अगर कुछ खराबी है तो तुरंत अस्पताल में जाके उसका इलाज करना होता है। बहुत दफा ऐसा होता है कि हार्ट अटैक हो रहा हो तो पहला ईसीजी खराब नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं कि हार्ट की तकलीफ नहीं, अगर ईसीजी नॉर्मल आया तो हार्ट की तकलीफ रूल आउट नहीं होती, डॉक्टर की जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी होती है। और कई दफा 1 घंटे के बाद ईसीजी दोबारा करें तो उसमें खराबी नजर आ जाती है। सो इस तरह का कोई भी सिम्टम हो तो तुरंत अस्पताल में जाकर के इमरजेंसी रूम में रिपोर्ट करना चाहिए
और अगर जरूरत हो तो अस्पताल में एडमिट भी हो जाना चाहिए, और इस वजह से घबराना नहीं चाहिए कि एडमिट क्यों कर रहे हैं। इससे भी ज्यादा जरूरी है ये समझना कि हार्ट डिजीज क्यों होती है और उसके रिस्क फैक्टर्स क्या है। सबसे जरूरी है हमें देखना कि हमें ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल है कि नहीं। ब्लड प्रेशर हाई होने से हार्ट डिजीज होने का चांस बढ़ जाता है। शुगर है कि नहीं, और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि 30 साल के ऊपर हिंदुस्तान की जो अर्बन पॉपुलेशन है उसमें 4 में से 1 इंसान को हाई ब्लड प्रेशर है और 20% लोगों को शुगर है। 5 में से 1 आदमी को शुगर है। उसको पता है या नहीं है ये बात दूसरी है, क्योंकि लोग चेक ही नहीं करते कभी, वो समझते हैं कि वो तो नॉर्मल है क्योंकि उनको कभी तकलीफ नहीं हुई। याद रखिए कि ना ब्लड प्रेशर ना शुगर कोई सिम्टम पैदा करती है, ये सिर्फ उसी वक्त सामने आते हैं जब कोई कॉम्प्लिकेशन अंदर पैदा हो चुकी है। और ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, स्ट्रोक या पैरालिसिस हो जाती है या गुर्दे फेल हो जाते हैं। इसी तरह डायबिटीज से हार्ट अटैक हो जाता है, गुर्दे फेल हो जाते हैं, पैरों की और हाथों की नसें खराब हो जाती हैं, और कई दफा हाथों और पैरों की नसें भी बंद हो जाती हैं जिससे कि टांगों को भी ब्लड सप्लाई जानी बंद हो जाती है। इस तरह से मोटापा होना या वजन ज्यादा होना ये एक अपने में एक दिक्कत वाली चीज होती है। और आपकी ब्लड कोलेस्ट्रॉल कितनी है, खून में चर्बी कितनी है, कुछ तो वो जेनेटिकली डिटरमिन होती है, कुछ हमारे लाइफस्टाइल से डिटरमिन होती है कि हम फिजिकल एक्टिविटी कितनी करते हैं, चलते फिरते कितना है, पैदल कितना काम करते हैं, खाने पीने में परहेज रखते हैं कि नहीं, जंक फूड खाते हैं, तली हुई चीजें खाते हैं या हेल्दी वेजिटेबल्स बीन्स या इस तरह के जो और अच्छे खाने वाले फूड होते हैं, हाई फाइबर डाइट होती है, नट्स होते हैं, बादाम होते हैं, वो सब हम खाते हैं, या हमेशा तला हुआ या वनस्पति घी का बना हुआ सामान या आइसक्रीम या मिठाइयाँ या पिज्ज़ा या हैमबर्गर, इस पे हमारा तवज्जो ज़्यादा रहता है। और एक सबसे ज़रूरी बात जो मैं आखिर में कह रहा हूँ वो शायद पहले कहनी चाहिए थी, वो है तम्बाकू का इस्तेमाल। सिगरेट पीना, बीड़ी पीना या किसी भी फॉर्म में तम्बाकू इस्तेमाल करना, चाहे वो पान के अंदर हो, चाहे जर्दे में हो, चाहे मंजन में हो, चाहे और किसी भी फॉर्म में, 25 किस्म के तंबाकू हिंदुस्तान में उपलब्ध है। तो कोई भी फॉर्म का तंबाकू सेहत के लिए नाशकारक होता है। अगर पान मुंह में खाते हैं तो मुंह में कैंसर होता है, फेफड़े में कैंसर होता है, हार्ट अटैक तो होता ही होता है तंबाकू खाने से, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और आदमी की उम्र कम होती है। So, ये चीजें रिस्क फैक्टर होती हैं जो हार्ट डिजीज पैदा करती हैं और हमें ध्यान रखना चाहिए। और बचपन के अंदर अगर कोई तकलीफ हो जाए तो उसका भी सिम्टम यही होता है कि चलने में सांस चढ़ता है और हांफने लग जाते हैं बच्चे या एडोलेसेंट्स जो होते हैं। और अगर कभी ऐसी सिम्टम आए तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी एग्जामिनेशन से, जो जैसे स्टेथोस्कोप से देखा या इकोकार्डियोग्राफी करके चेक करा या ECG या एक्सरे सिंपल छाती का करने से बहुत सारी बीमारियां इजीली डायग्नोज। बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के टूल्स आजकल अवेलेबल हैं, कॉरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज को चेक करने के लिए ट्रेडमिल टेस्ट होता है, स्ट्रेस इको होता है, थैलियम होता है। तो अगर जरूरत हो तो उसको करवा लेना चाहिए, और अगर एंजियोग्राफी की जरूरत हो तो उसके लिए घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे बीमारी पता लग जाती है, वो सिर्फ एक टेस्ट होता है। अगर वो ठीक होती है तो आपका दवा खाने से या परहेज करने से ही काम चल जाएगा, अगर खराब होती है तो उसका आगे जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो आपके डॉक्टर आपको सलाह दे सकते हैं।